नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब कॉम में। तो SBI F आशा स्कॉलरशिप का जो है, ये PG पोस्ट के लिए जितने भी हैं वो बच्चों के लिए जो है, ये स्कॉलरशिप को रिलीज़ कर दिया गया है। तो ये SBI द्वारा ये एक और स्कॉलरशिप है जो PG के स्टूडेंट जितने भी हैं उन लोगों के लिए ये दिया गया है। इसका डेडलाइन जो है ये आपका 31 अक्टूबर 2024 तक का है। तो इससे पहले जो है, इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर दीजिए और इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और कौन कौन बच्चे इसमें एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले जो है, आप तभी भर सकते हैं जो इसके लिस्ट में यानी टॉप 100 का जो है वो SBI के जो मेंबर्स हैं यानी जो वर्कर्स हैं उन लोग द्वारा जो है वो टॉप 100 जितने भी कॉलेज और इंस्टीट्यूट हैं उन लोगों को सिलेक्ट करके एक लिस्ट बनाया गया है। उसमें आपका कॉलेज का नाम होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपका प्रीवियस ईयर के जो एकेडमिक ईयर है, मतलब जो आप पिछले साल में जो भी क्लास में थे उसमें 75% मार्क्स होना चाहिए या तो उससे अधिक मार्क्स होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ जो है क्रॉस एप्लीके जितने फैमिली का जो इनकम है वो 6 लाख से कम होना चाहिए और ये इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए यानी इंडियन होने चाहिए। तो हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि जितने भी टॉप 100 में कॉलेज हैं वो कौन कौन से कॉलेज हैं। तो उसको जानने के लिए हम लोग जो है इस यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा कॉलेज जो है वो एलिजिबल है इस एप्लीकेंट जो फॉर्म है इसको फिलअप करवाने के लिए। तो ये ऊपर के जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये सारे IIT और IIM के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन लोगों का नाम है। तो अगर आप कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप इस फॉर्म को स्किप कीजिए और नीचे आइए। नीचे आने के बाद फिर आपको जो है एक और लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, ये जो है ये कॉलेज का लिस्ट है। आप इस कॉलेज लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो अगर जो जो कॉलेज को सिलेक्टेड किया गया है वो यहाँ पे है। अगर आप इस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, इस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो जो है आप ये एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप स्टेट को देखिए। स्टेट में जो है आप जिस स्टेट में पढ़ रहे हैं, जिस स्टेट में आपका जो है वो इंस्टीट्यूट है तो उसको जो है यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टॉप 100 का लिस्ट है। आप यहां से फाइंड आउट करने के बाद फिर जो है आप अपना स्टेट देखिए कि एक ही मतलब स्टेट में से जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी भी जो है वो रहते हैं। तो आप वहां से जो है अपना सिटी देख सकते हैं, जैसे दिल्ली के यहां पे 2 है तो दोनों का यहां पे इंक्लूड किया गया है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पहले स्टेट फाइंड आउट करने के बाद सिटी फाइंड आउट कीजिए। सिटी फाइंड आउट करने के बाद अपना कॉलेज को देखिए कि वो कॉलेज इसमें इंक्लूड है या नहीं है। अगर आपका ये कॉलेज इसमें इंक्लूडेड है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसको पता लगाने के बाद फिर आप यहाँ पे आके देखिए कि प्रेफरेंस क्या है। 3 लाख से जो है वो आपका अगर एनुअल इनकम कम रहा तो फिर आपको जो है वो प्रेफरेंस मिलेगा। साथ ही साथ जो है 50% जो स्कॉलरशिप के जो है वो रिजर्व किया गया है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए किया गया है। और उसके बाद फिर जो है इसमें कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है SC और ST वाले जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए। तो SC और ST वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं और खास करके अगर फीमेल पर्सन है तो प्लीज़ इस फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग भर दीजिए। अधिक संभावना है आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिल जाए और इसमें जो है आपको अमाउंट मिलेगा। PG वालों के लिए जो है ये आपका अमाउंट मिलेगा अप टू 70,000 रुपीज़। तो अप टू 70,000 रुपीज़ जो है ये कम नहीं होता है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस फॉर्म को भरने का। तो इस फॉर्म को जो है वो भर दीजिए। साथ ही साथ इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स है प्रीवियस ईयर का जो है आपका मार्कशीट यानी प्रीवियस जिस भी सेमेस्टर में आप रहे हो या फिर जिस भी क्लास में आप रहे हो उसका जो है आपको यहाँ पे जो है वो आपका मार्कशीट लगेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट द्वारा कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड डालना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप जिस ईयर में अभी पढ़ रहे हैं उसके फिर सिप जो है उसको आपको देना है। अब इसमें जो है आपका प्रूफ ऑफ करंट ईयर एडमिशन जो इसमें जिस ये पे एडमिशन करवाए हैं आप यहाँ पे फीस स्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एडमिशन लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का जो ID कार्ड है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर आप बनाए हैं तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, वो सारा आप डिटेल्स दीजिए। बैंक
अकाउंट का डिटेल्स डालने के बाद फिर जो है आपको उसको अपलोड भी करना है, तो पासबुक का स्कैन जरूर कर लें। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो है वो भी चाहिए आपका, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से जो है वो इनकम सर्टिफिकेट किसके किसके द्वारा जो है वो मतलब अथोराइज है या फिर ये हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है ये आपका ग्राम पंचायत वार्ड का है या फिर सरपंच का जो है उसके द्वारा है, तो वो भी जो है वो एक्सेप्टेबल रहेगा अगर लोकल ये पे अगर आप बनाए हैं सर्टिफिकेट। तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस द्वारा सर्टिफिकेट बनाए हैं तो DM, SDM, CO और तहसीलदार यानी आपका जो CO वाला ही जो है उसका उससे द्वारा जो अगर बना हुआ है तो उससे भी जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अगर यहाँ से बनाए हुए आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं। और एक फोटोग्राफ आपका लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ST और SC वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट को एकदम मैंडेटरी समझिए, उसको देना ज़रूरी, क्योंकि अदरवाइज अगर आप नहीं देते हैं तो फिर जो है आप इस 50% में आप नहीं आएंगे। इसीलिए अगर आप 50% में नहीं आते हैं या फिर जो है आपको जो प्रेफरेंस मिल रहा है कि ST SC वालों को ये स्कॉलरशिप देने का, जो ज़्यादा ये देने का आपका जो प्रेफरेंस दे रहा है वो फिर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि ये जो है आपका होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, दें आप। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है मैं आपको डायरेक्ट इनके अप्लाई वाले सेशन पे ही आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है हम अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जो है हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के वीडियो के लिए। तो इसके बाद फिर जो है आप इसमें क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको जो है एक तीन पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए, UG, PG या फिर क्लास 6 से 12 वाले के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आप वहाँ पे PG वाले, अगर PG के स्टूडेंट हैं, PG वाले स्टूडेंट को वहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपके इनकम को पूछेगा, उसको डालना, यानी तीन चीज़ों को आपको कॉमन चीज़ों को पूछा जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके बाद फिर जैसे ही आप स्टार्ट नाउ कीजिएगा तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप इसमें ID बनाए हुए हैं तो सारा फॉर्म ऑलरेडी आपका सेव्ड किया रहेगा, यानी सब फिलअप किया रहेगा। बस आपको अपना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे इंक्लूड करना है और डॉक्यूमेंट सारे को अपलोड करना है और पोस्ट कर देना है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन आपको और मिलते रहे। थैंक यू सो मच।